5.11 में क्या कहता है, रेंट एंड रेट्स पर पोर्शन ऑफ द फ्लोर ऑक्यूपाई फॉर द शॉप, पूरे मकान का किराया, पूरे शॉप का किराया 4800 है। तो अभी मुझे नहीं पता भाई मशीनरी का क्या स्टैंड रहेगा, कितना पार्ट ऑक्यूपाई करेगा, तो मैंने यहाँ पे 4800 रुपये लिख दिया है जस्ट। अगर देखता है 1/4 तो 1/4 कर देंगे, 3/4 3/4 कर देंगे, डिपेंड ऑन आगे। डेप्रिसिएशन ईच मशीनरी का 500, ईच मशीनरी यानी मेरे पास बहुत सारी मशीनरी है, और तो भाई मेरा 500 रुपये डेप्रिसिएशन है, तो देन डेप्रिसिएशन में यहाँ दिखाऊंगा 500 रुपये, और इसको डिवाइड मैं करूंगा प्रोडक्टिव आवर से, जो मुझे पता चल जाएगा तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा। पावर कंजम्पशन कहता है ये 5 पैसे पर यूनिट फॉर द शॉप, सॉरी पहले रिपेयर एंड मेंटेनेंस फॉर 5 मशीन 1000 रुपये। तो मैं रिपेयर डाल देता हूं यहां पे, और 1000 रुपये 5 मशीन का है, मैं एक मशीनरी का ही निकालूंगा, तो 1/5। आगे देखते हैं क्वार्टरली या मंथली क्या रहेगा। आगे क्वेश्चन में कहता है पावर कंज्यूम 5 पैसे पर यूनिट और 3000 का खर्चा है, तो सबसे पहले तो हमें क्या यहाँ पे 5 पैसे है वो, तो मुझे ये पता चल जाएगा अगर मैं बोलूँ कि मेरा 10 रुपये खर्चा आता है, 1 रुपये यूनिट है, तो क्या मुझे पता चल जाएगा कि कितने, मैंने बोला कि हमारा 1 यूनिट का कितना लगता है, 1 रुपये, और खर्चा मेरा आया 10 रुपये, तो कितने यूनिट यूज हुआ बता सकते हो, कैसे पता किया बताओ, डिवाइड करके किया। सेम यहाँ 5 पैसे है और 3000 का खर्चा आया तो यहाँ पे यूनिट कितने खत्म होंगे बिजली के ये पता चल जाएगा। तो यहाँ पे पावर का मेन पॉइंट है, तो पावर का हालांकि यहाँ पे दे रखा है 0.5, 1 घंटे में कितने यूनिट लगता है पहले मुझे आवर तो पता चले, तो टोटल पावर यूनिट कितना आएगा, टोटल पावर यूनिट आएगा 3000 डिवाइडेड बाय 0.05, जो कि कितना आ जाता है 6000, 60000, यानी बिजली का बिल 60000 खर्च करना पड़ रहा है। चलिए आगे, इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर द लाइट इन द शॉप 540 रुपए, पूरे दुकान का इलेक्ट्रिक चार्ज है आपका 540। अब आगे देखेंगे भाई क्या कहता है, आगे क्वेश्चन में कंटिन्यू देखें तो कहता है ये अटेंडेंट, देयर आर 2 अटेंडेंट फॉर द 5 मशीन एंड दे पेड ईच 60 पर मंथ, 2 अटेंडेंट है, सैलरी दिया जा रहा है भाई, 60 रुपीज एक को दूंगा, 2 को कितने दूंगा, और ये कितने मशीनरी देखेगा, 1/5, हम तो 1 का निकाल रहे हैं ठीक है ना, और 1 महीने का है तो इंटू में 12 भी करना पड़ेगा, 12 महीने का लेके चल रहे हैं। ऊपर ये नहीं पता भाई पर एनम है पर मंथ है, वो देख लेंगे, शॉप कह रहा है कुछ कहा नहीं इसने पर मंथ, 5 मशीन एक्सैक्टली देख लेंगे आगे क्या कहते हैं। सुपरवाइजर को दिया जाएगा फॉर 5 मशीन शॉप द 1 सुपरवाइजर हुज आपका उसका 250 रुपये पर मंथ है, तो सुपरवाइजर का 250 रुपये 1 महीने के, और 12 महीने तक, और 1/5। सेंड्री सप्लाई सच लुब्रिकेंट यानी रिपेयर वगैरह जूट कॉटन वगैरह का 450 रुपये फॉर द शॉप, तो मैं यहां पे लुब्रिकेंट ऑयल लिख देता हूं 450, अब देखते हैं ये पूरे शॉप का है तो 1/5 ही होगा भाई, पूरे शॉप में 5ों मशीन होगा, आगे क्लियर होगा, रिपेयर में कर सकते हो लेकिन मैं अलग से दिखा रहा हूं इसको। आगे कहता है हायर परचेस इंस्टॉलमेंट पेमेंट ऑफ द मशीन इंक्लूडिंग 300 इंटरेस्ट, तो हायर परचेस फाइनेंस का पार्ट होता है, इंटरेस्ट हमारा फाइनेंस का पार्ट है तो यहां पे कंसीडर नहीं करेंगे। द मशीन यूज 10 यूनिट पावर पर आवर, बोलता है कि 1 घंटे में 10 यूनिट यूज होगा, तो भाई मेरा 60000 यूनिट है ना ये, तो 1 घंटे में 10 यूनिट है तो कितने घंटे चलेंगे, 1 घंटे में 10 यूनिट है तो 6000 घंटे चलेगा। अब देखते हैं कैलकुलेट द मशीन आवर रेट फॉर द मशीन फॉर द ईयर, अब यहां पे क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं कहता कि कितने मशीनरी है किस पे क्या है, मींस यहां पे कहता है द फॉलोइंग एनुअल चार्ज, ये एनुअल है और कितने मशीनरी का दे रखा है, सारा का सारा 5 मशीनरी का, तो हम एक काम करते हैं ना, हम इसको डिवाइड 1/5 करने का टेंशन खत्म कर देते हैं, नहीं करेंगे हम डिवाइड,
लास्ट में हम सीधा 6,000 से डिवाइड कर देंगे, एक ही घंटे का तो निकालना है हमने, ठीक है। तो पांच का झंझट मैंने खत्म कर दिया। अब यहां तक किसी को डाउट? 12, तो ये 4800। क्वेश्चन में कहीं नहीं बोला, अपनी मनमर्जी से कर सकते हो। बताओ 120 इंटू 12, 144, 250 इंटू 12, 3000, ठीक है। टोटलिंग करेंगे, यहां पे डेप्रिसिएशन कहीं कह रखा था कैलकुलेट करके। अब समस्या होता है यहां तो पर आवर निकालेंगे, तो ये डेप्रिसिएशन जो है एक मशीन का है, पांच का है, पांचों का है भाई, तो हम पांचों का डिवाइड करें, तो इसको डिवाइड किससे करें? आवर कितने हैं? 6000, ये पांच है तो पांच को ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइड, एक यूनिट का खर्चा पांच, एक घंटे में कितने यूनिट? 10 यूनिट आपने बताया ना, तो 10 यूनिट का कितना होगा? 50 पैसे। इसको पांच से डिवाइड करने का हमने सोचा था, छोड़ दिया। आप देखिए, जिस जिसको मैंने पांच से डिवाइड किया था ना, मैं सोचा था एक से निकालूंगा, लेकिन फिर मैंने सोचा आप कर सकते हो पांच से, ऐसा नहीं है कि कर दोगे तो गलत हो गया, आप पेपर में कैसे करोगे, एग्जाम में कैसे करोगे, कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। पर आवर तो पूछा है, वो हम कैसे भी निकाल सकते हैं एक मशीन का। अब मैं पांचों मशीनों का निकालूंगा, पांचों मशीनरी का आवर से टोटल करके डिवाइड कर दूंगा, आंसर वही रहने वाला है। तो यहां पे खर्चा आया 4800, 540, 1440, 3000, 9, मेरा तो 11 है इसका। 4800, 540, 1440, अब क्या निकाल दिया? 9780। अच्छा ठीक है, इसको पर आवर निकाल ले, डिवाइडेड बाय 6000। इसको निकाल लेते हैं, 500 डिवाइडेड बाय 6000। अब 500 पर मंथ तो नहीं था, ये भी चेक कर लीजिए, एक हजार डिवाइडेड बाय 6000, देख लो कितने पॉइंट पॉइंट से हमारा बनेगा आंसर। ये किधर लिख दिया मैंने? अच्छा, स्मॉल मशीन का है ना, तो 1.63 इधर, 0.083, 0.16, ये डिटेल का कॉलम बना के चलता हूं मैं, जब दो तीन मशीन होगी तो फिर अलग से कर देते हैं ना। और 450 डिवाइडेड बाय 6000, 6000 बहुत ज्यादा लग रहा है वैसे तो मुझे, पर क्या करेंगे, पर आवर निकाल ले, प्लस करिए 1.63, 0.083, 0.166, 0.5, 0.075, 2.454 आया, मेरा आंसर तो ये आ रहा है 7। बुक वालों का 7-9 कुछ ना कुछ छोड़ा तो नहीं, चेक करिए। हाँ, गड़बड़ कर दिया यहाँ पे, यहां मैंने पांचों का मान लिया है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें? और पांच से, ये जगह मैंने छोड़ रखा था, तो इसको मल्टीप्लाई किससे करना है? पांच से। चलिए, तो यही चीज आपको ध्यान देना है, वहां पे 0.41 सिक्स आ रहा है, जो 4156 चलेगा, 63। टू पॉइंट सेवन जीरो बताइए, अब फोर, अब बताइए गड़बड़ी कोई? सही है, समझ में आया? इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा, अगर हमें पावर दे रखा हो अमाउंट में तो हम आवर भी निकाल सकते हैं अगर हिंट गिवन हो तो। ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, नोट करिए अब आप इसको।